नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, सब काम प्लान के मुताबिक हुआ। अभी तक तो वो खत्म हो चुका होगा। क्यों गुड़ बोले साहब? तुम कौन? अभी तक खत्म हो गया होगा। मिस्टर शिवा, एक बहुत डिफिकल्ट केस था जो आज खत्म हुआ, उसकी फाइल में आज बंद करने जा रहा हूँ। गुड़ बोले साहब, ऐसा है कि अभी भी मैं भी एक बड़े ही इम्पोर्टेंट केस की फाइल को खत्म करके आ रहा हूँ। किसकी? अरे आप जानते होंगे उसे, बड़ा ही खतरनाक मुजरिम है आपका, क्या नाम है उसका? हाँ, काली। अरे तुम अब तक सोई नहीं? आपका इंतजार कर रही थी। सच? माँ जी ने कहा था, वो बहुत थक गई थी, उन्होंने कहा था कि आपको खाना खिलवा दूं। वाह, माँ बेटे के विचार आपस में कितने मिलते जुलते हैं। मैं आज ही सोच रहा था कि माँ से मैंने बहुत सेवा करवा ली, अब अपने लिए एक अच्छी सी बहू ढूंढ के ले आऊं जो मेरी भी सेवा कर सके और माँ जी की भी। इस योग्य कोई लड़की मिल गई तो माँ जी से जरूर मिलवा दूंगी। अरे नहीं समझी। आपके लिए नाश्ता ले आऊं? नहीं, तुमने पूछ लिया, समझो मेरा पेट भर गया। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? माँ जी के लिए कुछ दवाइयाँ लानी हैं। ऐसा है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो तुम्हें केमिस्ट की दुकान पर छोड़ देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? पार्वती, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। नहीं, मैं आपकी जिंदगी में आई हूँ और ना ही आपके घर में हमेशा के लिए आई हूँ, बल्कि जब आपको और माँ जी को मेरी असलियत का पता चलेगा तो आप खुद ही चाहेंगे कि मैं आपका घर छोड़ दूं। और हकीकत तो तुम कभी बताओगी नहीं। जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा उस दिन सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है पार्वती, उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। लेकिन तुम्हारा शक घोड़बोले पे क्यों है? मुजरिम के गिरफ्तार हो जाने के फौरन बाद घोड़बोले का यहां तबादला हो जाना। मुजरिम जब इकरार जुर्म करने को तैयार हो गया, ठीक है वक्त पे घोड़बोले का यहां पहुंचकर मुझे मना करना और फिर मुझे ही मुजरिम को दूसरे जेल में ले जाने का ऑर्डर देना, रास्ते में हमला, हमले के बाद मेरे बजाय मुजरिम के मौत की खबर सुनकर गोट बोले का परेशान हो जाना, क्या इस बात का सबूत नहीं है सर कि पुलिस मुजरिम के पीछे नहीं बल्कि पुलिस मुजरिम के साथ है? तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन सुनने के बाद तो देखूंगी, तस्वीरें भी बोलने लगेंगी। इसके मुताबिक काली टेंपल मर्डर केस में इन चारों के अलावा घोड़बोले भी शामिल है। ये कटिंग्स आपको किसने भेजी सर? किसी गुमनाम शख्स ने। उस गुमनाम का नाम तो मैं उसकी जन्म पत्री समेत ला दूंगा सर, लेकिन उससे पहले इन चारों के बारे में घोड़बोले से जरा बात तो कर लो। क्यों जनाब, इन चारों के बारे में आपको जानते हैं? ये एक रात की बात थी। एक रात की बात नहीं गुड़बोले साहब, काली मंदिर के पुजारी के कत्ल की रात। राइट, वही रात थी जब ये चारों बॉम्बे जाते हुए गांव में रुके पान बीड़ी लेने के लिए। उस रात गांव में मेला भी था और इन चारों ने काफी पी रखी थी। जब हम लोगों ने इन्हें गांव से जाने के लिए कहा तो इन्होंने मना किया। हमने मजबूरन इन चारों को रात भर लॉकअप में रखा और सवेरे छोड़ दिया। मगर तुम इन चार लोगों के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हो? ये तो शरीफ लोग हैं। लॉकअप में रात गुजारने वालों को आप शरीफ कहते हैं गुड़बोले साहब? ये तो मुझे बाद में पता चला कि उनमें से एक नेता है, दूसरा डॉक्टर है और तीसरा भी कोई बड़ी सही जगह पे होगा। सही जगह पे तो आपकी दुआ से इन्हें जल्दी ही ले जाऊंगा गुड़बोले साहब। अगर वो शिव कुमार अपनी पार्वती और पुजारी का केस रीओपन करने में कामयाब हो गया
तो समझ लो हम सब गए के भाव में। मिस्टर गॉड बोले, तुम ही कुछ करो, अपने उस मूज और घोड़े शिव कुमार पर काठी रखो, रोको उसे किसी भी तरह रोको। मैं कैसे रोकूं? ये काम तो नेताजी का है। ठीक है, मैं ही रोकता हूं उसे। तुम शिव कुमार से कहो वो पुलिस कमिश्नर से केस खोलने की इजाजत ले, कमिश्नर को मैं देख लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। आओ शिव कुमार, आओ बैठो। नो सर, थैंक यू सर, मेरी गुजारिश थी। शिवा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, कानून के लिए तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी की वजह से हमको और पुलिस के सारे डिपार्टमेंट को तुम पे फक्र है। थैंक यू सर। इसीलिए मैं तुम्हें टॉप प्रायोरिटी में काली टेंपल का केस दे रहा हूं। मैं तुम्हें काली मंदिर के पुजारी के कत्ल और मंदिर में डाके के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। अगर तुम चाहो तो अपने लिए वकील की मांग कर सकती हो, कानून तुम्हें हक देता है। मुझे वकील की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती। हे भगवान, ये क्या कर रहा है तू? मां, पार्वती के ऊपर एक कत्ल और एक डाके का इल्जाम है, मैं इसे गिरफ्तार कर रहा हूं। पागल हो गया है क्या? मेरी देवी जैसी पार्वती डाका डालेगी, हत्या करेगी, किसकी? ये मैं नहीं जानता माँ। इस सवाल का जवाब तो सिर्फ इस देश का कानून दे सकता है जिसने मुझे पार्वती की गिरफ्तारी का वारंट दिया है। कानून को वारंट काटने में क्या जाता है? वारंट न हुआ, पतंग हो गया, पेच डाला और काट दिया। इसमें इनका क्या दोष है माँ जी? इनकी आंखों पर तो कानून की पट्टी है और सिवाय सबूत के इनको कुछ नजर नहीं आता। ऐसे बेटे की मां होना तो बहुत गर्व की बात है माँ जी, वरना आज के समाज में न्याय तो अछूत होकर रह गया है। कोई इसे अपने हाथों से नहीं छूता, कानून के दस्ताने पहनकर छूता है। चलिए सीआईडी इंस्पेक्टर साहब, आप अपने कर्तव्य का पालन करके ये कहानी खत्म कर दीजिए। पार्वती देवी, आप पर कस्बा मोरावा के काली मंदिर से दशहरे की रात मूर्ति के जेवरात चुराने और मंदिर के पुजारी की हत्या करने का आरोप है, क्या आप यह आरोप स्वीकार करती हैं? जज साहब, अगर जो मैं ये आरोप न स्वीकार करूं तो क्या ये अदालत और आप मेरी बात मान लेंगे? इस ऑनरेबल कोर्ट से यह सवाल करके मुलजिमा ने अदालत की बहुत बड़ी तौहीन की है। ऑनर, अदालत इतना कानून जानती है मिस्टर दारूवाला? यह जगह इंसाफ का घर है पार्वती देवी, अगर आप अपनी बेगुनाही साबित कर पाई तो यह अदालत आपको बाइज्जत बरी करेगी। इज्जत तो मेरे लिए सिर्फ एक लाश है जज साहब, एक शव जिसे मैं अपनी आत्मा के कांधे पर उठाए उठाए शमशान ढूंढती फिर रही हूं, लेकिन कोई मुझे उस शमशान का रास्ता नहीं बताता। क्या इस अदालत से उस शमशान तक कोई रास्ता निकलता है जज साहब? आप कहते हैं कि आप मुझे बाइज्जत रिहा कर देंगे, इज्जत कोई सम्मान का शाल या कोई ताम्र पत्र नहीं है जज साहब जो आप मुझे दे देंगे। इज्जत तो औरत की ओढ़नी होती है, जो एक बार गिर जाती है तो गिर जाती है, लेकिन फिर भी न्याय और अन्याय का ये नाटक चलने दीजिए, मैं भी यहां तमाशाइयों की तरह बैठकर चुपचाप देखती रहूंगी जज साहब। तुमने अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया,
क्या तुमने मंदिर से जेवरात चुराने के लिए मंदिर के पुजारी की हत्या की? अगर मैं कहूं कि मैंने ये जुर्म नहीं किया है तो आप कहेंगे कि अपनी बेगुनाही का सबूत दो, पर मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है जज साहब। हाँ, एक गवाह है जिसे मैं इस अदालत में नहीं ला सकती। कौन है वो गवाह? अदालत उसे जरूर बुलाएगी। मेरी गवाह काली माँ की वो मूर्ति है जज साहब, और मेरी गवाह स्वयं काली माँ ही है। I'm deeply sorry, Your Honor. मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मुलजिमा बिना वजह अदालत का वक्त जाया कर रही है। आपका वकील कौन है पार्वती देवी? मेरा कोई वकील नहीं है जज साहब। तो ये अदालत तुम्हें वकील देगी? Your Honor, अखिल भारतीय नारी सम्मान सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष श्री संपूर्णानंद जी ने। अपराधिनी पार्वती देवी की वकालत के लिए मुझे नियुक्त किया है। क्या वो यहाँ अदालत में मौजूद हैं? मैं हाजिर हूँ जज साहब। जज महोदय, हमने तो ये संस्था ही लावारिस नारियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए बनाई, क्योंकि जो समाज अपनी असहाय नारियों की सम्मान की सुरक्षा नहीं कर सकता वो समाज तो जीवित नहीं रह सकता। आप जा सकते हैं। शुक्रिया। प्रोसीड मिस्टर दारूवाला। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन गवाहों की मदद से यह साबित करने की कोशिश करेगा कि इस भोली भाली सूरत वाली लड़की ने काली मंदिर से काली माँ के गहने चुराने की नियत से मंदिर के पुजारी की हत्या की, और यह साबित करने के बाद प्रोसिक्यूशन मुलजिमा के लिए सजाए मौत की मांग करेगा, क्योंकि इस संगीन जुर्म के लिए इससे और कोई कम सजा नहीं हो सकती। सरकार के गवाह है इंस्पेक्टर गणपत गोड़ बोले। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पुजारी मर्डर केस की छानबीन आप कर रहे हैं? जी हाँ, मर्डर ची खबर भेटल्यावर मी मंदिर गेलोस, लाशला ताब्यात घेतलोस आणि पंचनामा केलो। क्या आपने मुलजिमा से पूछताछ की? ये छोकरी ने उसका मौका ही नहीं दिया साहेब। इससे पहले कि मैं इस छोकरी से पूछताछ करता ते तुकड़ून पड़ोन के लिए साहेब, तब से हमारी पुलिस इस छोकरी को उस खून के इल्जाम में ढूंढ रही है साहेब। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन प्लीज। योर ऑनर, सरकार के दूसरे गवाह हैं सर्वश्री घनश्याम दास डाबरिया। और एंटिक्स के रसिया, जिनके पास मुलजिमा काली माँ के गले का वो एंटिक हार बेचने गई थी। क्या आप मुलजिमा को जानते हैं? नाम से नहीं जानता, लेकिन शक्ल से जानता हूं। एक बार ये एक बहुत ही कीमती एंटिक हार बेचने मेरे पास आई थी। तो क्या आपने वो हार खरीदा? खरीदने को तो बहुत दिल चाहा वकील साहब, लेकिन मैंने खरीदा नहीं, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार शहरी हूं, कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करता। जब इस फटीचर हार लड़की के पास मैंने इतना कीमती हार देखा तो मुझे यह शक हुआ कि वो हार चोरी का भी हो सकता है। जब मैंने इससे यह कहा कि उस हार की जांच किसी एक्सपर्ट एंटीक डीलर से करानी होगी और पुलिस से भी यह पूछना होगा कि वो हार चोरी का तो नहीं है, बस पुलिस का नाम सुनकर यह एक जरूरी काम का बहाना करके वहां से चली गई, और उसके बाद आज मैं इसे यहां देख रहा हूं। ये झूठ बोल रहे हैं। जरा करने के लिए तुम्हारा वकील यहां मौजूद है मुलजिमा? वो तो नारी सम्मान सुरक्षा परिषद के वकील है जज साहब। मे आई प्रोसीड योर ऑनर? तो क्या उस वक्त आप अकेले थे? जी नहीं, बल्कि उस वक्त मेरे फैमिली डॉक्टर डॉक्टर अजय गंडोत्रा भी वहां मौजूद थे, जो उस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे। जी अजय साहब, जब ये लड़की काली मां का हार घनश्याम दास के पास बेचने के लिए आई तब मैं वहीं मौजूद था। आपने कैसे जान लिया कि वही काली मां का हार था? वकील साहब, बाद में जब उस हार की फोटो
अखबार में छपी, तब मुझे याद आया कि ये तो वही हार है जिससे वो लड़की कंशाम दास डाबरिया के पास बेचने के लिए आई थी। थैंक यू डॉक्टर साहब, यू मे गो। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चन, आप जा सकते हैं। पार्वती देवी, सरकारी गवाहों के बयानात सुनने के बाद अब क्या आप मेरे पहले सवाल का जवाब देंगी? सरकार ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है जज साहब, लेकिन न्याय इतिहास में यह अन्याय पहली बार नहीं हो रहा है। अदालतों ने बेगुनाहों को झूठे सबूतों के आधार पर पहले भी फांसी की सजा दी है। न्याय तो बड़ा बेबस होता है। न्याय के हाथों पे कानून की हथकड़ी और आंखों पर झूठी गवाहियों की पट्टी बंधी रहती है। आप मुझे फांसी की सजा दे दीजिए, क्योंकि आज कई इज्जतदार लोगों ने गीता पर हाथ रखकर झूठ बोला है, लेकिन मैं बेगुनाह हूं। मैंने काली मां के गहने नहीं चुराए हैं और ना ही मैंने पुजारी जी की हत्या की है। असली मुजरिम तो ये इज्जतदार सरकारी गवाह और ये इज्जतदार सरकारी वकील हैं, लेकिन मैं इनके गुनाह कैसे साबित करूं, क्योंकि इनके जुर्मों की असली गवाह मैं ही हूं और आज मेरे लिए सजाए मौत की मांग की जा रही है। लेकिन मेरे फांसी पर चढ़ जाने के बाद भी जज साहब, ये मुजरिम यही रहेंगे और ये जुर्म होता रहेगा। अब आपका जैसा जी चाहे, आप न्याय कीजिए या आप अन्याय कीजिए। अदालत कल तक के लिए बर्खास्त की जाती है। पार्वती, सच बता दो पार्वती, तुम्हारा इनके साथ क्या ताल्लुक है? मेरा इनसे भला क्या ताल्लुक हो सकता है? आपने जज साहब को ये कहते हुए नहीं सुना था कि ये चारों तो बहुत इज्जतदार और शरीफ लोग हैं? आपका कानून तो इन्हें छू भी नहीं सकता। देखो पार्वती, कानून बगैर सबूत के किसी को छू नहीं सकता, मगर मेरा दिल तुम्हारा ये जुर्म कबूल नहीं करता पार्वती। कानून के सीने में दिल कब से होने लगा और आप अपना दिल क्यों दुखा रहे हैं? आपने तो अपना फर्ज अदा किया है। कानून ने कहा पार्वती को पकड़ लाओ और आप पार्वती को पकड़ लाए। देखो पार्वती, अदालत आज फैसला सुनाने वाली है, उसके बाद बात मेरे हाथ से निकल जाएगी। बात तो कभी आपके हाथों में थी ही नहीं, बात तो भगवान के हाथों में है, वो भी तो अपना फैसला सुनाएगा। सरकारी वकीलों ने गवाहों के बयानों के जरिए ये बात पूरी तरह साबित कर दी है कि दशहरे की रात अपराधिनी पार्वती ने मूर्ति के जेवरात चुराने की गर्ज से मंदिर के पुजारी की हत्या की, इसलिए ये अदालत पार्वती को अपराधी ठहराते हुए जेरे दफा 302 मौत की सजा देती है। तो हैंग टिल डेथ। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शेमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।